नया योजना पूरे बिहार के जो बड़े शहर हैं उसके अंदर पानी निकालने के लिए सरकार ने आउटफॉल नाला हर शहर को देने का निर्णय लिया है विभाग द्वारा, और उस पर कई एक शहरों में ये काम प्रारंभ हुआ है और प्रारंभ होने जा रहा है, जिससे कि जल जमाव की समस्या मिटाया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जहाँ पर जिस शहर में एलईडी लाइट नहीं लगा हुआ है, क्योंकि एग्रीमेंट पूरे बिहार के लिए हुआ था, तो कुछ पंचायत और कुछ नगर परिषद में उसको भी मार्च तक में लगा देने का आदेश हुआ है कि वहाँ भी लाइट लगा दिया जाए। इस तरह से कई एक जगह पर, जैसे मुकामा है, बड़हिया है, बेगूसराय है, जो गंगा नदी में जो है एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का, और उसमें ताकि नदी में गंदगी को, गंगा को बचाया जाए, ये नया टेंडर अवार्ड हुआ है। एक बड़ा टेंडर आपको दीघा में, वह 1100 करोड़ का नया टेंडर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो गंगा पोल्यूशन से बचाने के लिए जो भारत सरकार की योजना है, उसके नए आयाम में बहुत जगह यह काम शुरू हुआ है, टेंडर दे दिया गया है, या जहां नहीं शुरू हुआ है जैसे मुंगेर वगैरह में, तो ये प्रक्रिया चल रही है कि गंगा नदी के किनारे इस काम को किया जाए। इसके अलावा गंगा से जुड़ी हुई भी जो नदियां हैं उसमें भी, जैसे मुजफ्फरपुर है आपका, गोपालगंज है, तो इन जगहों पर भी नया आवंटन किया गया है पैसा, वहाँ भी टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि अल्टीमेट वो भी पानी जाके गंगा में ही मिलान होता है। तो गंदा पानी केवल गंगा का साफ कर दिया जाए, उससे जुड़ी हुई नदी को नहीं किया जाए, तो जो गंगा की पवित्रता निर्मलता की बात हो रही है उस पर कमी होगा, इसलिए वो सब नया ढंग से काम शुरू कराया गया। आपका मेट्रो का एक फेज का अलाइनमेंट पूरा हो गया है, दूसरे फेज का अलाइनमेंट और लैंड जो सॉयल टेस्टिंग, ये दोनों का काम चल रहा है। पहले जो अलाइनमेंट हुआ था उसमें थोड़ी बहुत जो कंस्ट्रक्शन आगे हो जाने से दिक्कत आई थी, उसको दूर कर दिया गया है, हम समझते हैं कि। और नगर विकास मंत्रालय में भारी संख्या में जो JEE एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर की कमियां बताई जाती थी, उसको विभाग द्वारा अपॉइंटमेंट प्रक्रिया शुरू हो गया है, और 15 फरवरी तक सभी जगह जहां भी JEE या एग्जीक्यूटिव की कमी है उसको हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भी कमी है, वो भी हमारे यहाँ आ गया है, और नगर विकास का टेक्निकल सेल जो बना है वह काफ़ी मजबूती से इस साल काम शुरू हो गया है। स्टाफ की जो कमी था वो भी पूरा हो रहा है, तो जो 7 निश्चय से लेकर के, और जो राज्य योजना का काम है, आउटफॉर नाला का काम है, सीवरेज का काम है, ये सारे काम
या पेयजल, पेयजल के लिए भी हम लोग काफ़ी उसमें भी विभाग तत्पर है कि हम इसको मार्च तक यूएलबी में हर जगह घर घर पानी देने की जो योजना है वो सफल हो। इस पर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ भी तेज़ी लाने का प्रयास हो रहा है।